आर्थराइटिस का मतलब है गठिया, यानी कि जोड़ों का में सूजन और इन्फ्लेमेशन। ये बचपन में भी शुरू हो सकती है और बाद वाली उम्र में शुरू हो सकती है। सबका अलग अलग नाम दिया गया है। हिंदुस्तान में मेनली जो धमनों की ज़्यादा प्रैक्टिस में देखने में आती हैं, उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस आती है, गाउटी आर्थराइटिस आती है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से, और उम्र के बढ़ने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस आती है। इन तीनों का ही ट्रीटमेंट फ़र्क है और डिजेनरेशन की वजह से तीनों होती हैं, लेकिन जिस किसी में आपको तीनों में ही एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल है। आदमी को अपने जॉइंट्स को एक्टिव रखना चाहिए, एक्सरसाइज जो डॉक्टर बताए वो करनी चाहिए, और एक बैलेंस होना चाहिए जॉइंट्स को आराम देने के बीच में और एक्सरसाइज के बीच में, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में जैसे ठंड का मौसम आएगा तो ठंड में जोड़ों को गर्म रखिए, सिकाई बराबर करते रहिए, जो दवाइयाँ डॉक्टर लिखे हैं वो दवा लेते रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए। अगर इतना करेंगे तो आपके जॉइंट्स लगातार चलते रहेंगे और आप ठीक रहेंगे। ठीक, थैंक यू सर।